दोस्तों आज एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेके आया हूँ दोस्तों, जिसके बारे में पूरा फुल डिटेल देखेंगे कि उसको सरिया हम किस तरह बांधते हैं और क्रैंक हम क्यों देते हैं और सरिया हम कहाँ पे कौन सी सरिया हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब दो टाइप का यहाँ जो मोमेंट होता है दोस्तों, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है उसको हम नीचे में सरिया प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं जो बॉटम रेनफोर्समेंट जो इस्तेमाल किया हुआ है, देख सकते हैं। और जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है उसमें हम जो ऊपर में हम सरिया इस्तेमाल करते हैं, जो देखिए ऊपरी हिस्सा जो सरिया इस्तेमाल करते हैं, और क्रैंक जो ये निचला जो है ये हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए है, और ऊपर का जो सरिया इस्तेमाल किया हुआ है जो क्रैंक देख सकते हैं वो हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, देखिए। और ये नीचे में जो आपको पूरा सेटरिंग लगा हुआ है देख सकते हैं, और एक सफ़ेद का जो एक टुकड़ा दिख रहा है सफ़ेद वाला, वो हमारा क्लियर कवर का है हमारा दोस्तों, कि क्लियर कवर हम कितना रखते हैं उसके हिसाब से हम बॉटम में सेटरिंग के ऊपर हम लगाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं पूरा फुल डिटेल दिया हुआ है। हम क्रैंक भी इस्तेमाल किए हुए हैं और जो बेंट अप बार भी इस्तेमाल किए हुए हैं, और डेवलपमेंट जना जो हम जिसको बोलते हैं एलडी जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो हम दिखाएंगे आपको कि कितना होता है एलडी। दोस्तों एक बीम को अच्छा सा डिज़ाइन करने के लिए हमको क्रैंक बार इस्तेमाल करना पड़ता है, डेवलपमेंट सरिया इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों, और जो है ना इसमें क्रैंक इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देख सकते हैं इस जो आपको एनिमेशन वीडियो चल रहा है उसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कॉर्नर पे है डेवलपमेंट लेंथ जिसको एलडी बोलते हैं दोस्तों, ये यहाँ से इस लेंथ को एलडी बोलते हैं, और डेप्थ में जो है ना डेप्थ ऑफ बीम माइनस क्लियर कवर टॉप और जो है ना क्लियर कवर बॉटम, ये दो माइनस करते हैं, और क्रैंक लेंथ हमको जो है ना 0.42D ये हमारा क्रैंक लेंथ होता है, और हमको जो कोड में दिया रहता है जो बीम के लिए मिनिमम 25 mm का कवर इस्तेमाल करना चाहिए और स्लैब के लिए 15 mm, जो हम ब्लॉक कवर जो इस्तेमाल करते हैं जो दोस्तों वो जो देखे सफ़ेद टाइप का जो देखे थे आप वीडियो में, वो हम इस्तेमाल करते हैं क्लियर कवर के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं